गाडीला पुढे जाऊ दे. Yeah.
की मोहब्बतों को हासिल करके या उनके वोट हासिल करके नहीं आए तो कमल का बटन बटन दबा रहे, दूसरा तो लाइट जो है कमल पर जो है चालू हो। भारत को एक शराब की बोतल भी दे, इनकी ये हालत। उनके शनाख्त के वास्ते जरा मैं एक जुमला बोलते तो तुम समझ जाएंगे। अब एक पठान का वाक्य सुनाता हूँ, सुनो। एक पठान जो है जियोरिया करता, तो एक हमारा मुतालबा ये है कि इस वक्त जो हुकूमत की तरफ से, बल्कि कई दिनों से जो है हुकूमत की तरफ से जो इकदाम किए जा रहे हैं, एक मज़हब को टारगेट बनाकर, नई नई चीज़ें जो है लोगों के सामने लाई जा रही है, और ये सीएबी बिल जो है जो इस मुल्क का संविधान है उसके ख़िलाफ़ है, और ये इस मुल्क की जो प्यार और मोहब्बत वाली जो तहजीब है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाली जो तहजीब है, उस तहजीब को तोड़ने वाला ये बिल है। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि इसको वापस लिया जाए, और आज हमने यहाँ एहतजाजी रैली निकाली है। हम पुरजोर अंदाज में इसकी मुखालिफत करते हैं और करते रहेंगे। हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बिल से मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, पड़ोसी मुल्कों से आने वाले भी हैं, तो ये बात है कि आपको लगता है कि दम है, क्या अंदेशा है? ये गीदड़ भपकियाँ हैं कि दूसरी जगह से मुसलमान आए हुए हैं, और ऐसा मुसलमान जो आए हुए हैं क्या हमारे सिपाहियों के टांगों के बीच में से तो निकल के नहीं आए, बल्कि ये मुल्क हमारा है और हमारा ही रहेगा। और किसी शायर ने कहा था, गिराने वाला खुद ही गिर जाएगा, और हमारे रग रग में खून शामिल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीमात दी है कि जिस मुल्क में हम रहें अमन और शांति के साथ रहें। ये मुल्क हमारा है, हमारे अकाबरीन और असलाफ ने इस मुल्क के लिए जितना खून बहाया है उतना किसी और ने पसीना भी नहीं बहाया।